हमारा घर की हालत कंडीशन देखो किस तरह से है ना, पेंट कर रहे हैं, पेंटर बन चुके हैं तमीज। खुद ही कर रहे हैं, खुद ही बन चुके हैं पेंटर। और ये देखो किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा घर है हमारा, कैसा सा सामान पूरा बखेड़ा हुआ है। सो गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। गाइस फाइनली आज हम अपने घर को कर रहे हैं पेंट और सूटकेस भी लगी हुई है मेरे साथ। ए क्या आप बखेड़ा कर रहे हो, ऐसे करते हैं पेंट, रहने दो, आप कुछ नहीं कर रहे हो और फैला रहे हो, मुझे समझ नहीं आएगा कहाँ कहाँ पे। इतना नहीं डुबाते यार, अब सारा चूने लगेगा, आप रहने दो, आपके बस की बात नहीं है, रहने दो आप। तो गाइस सच बताऊँ तो इसके ऊपर चूना हो रखा है और ये सब बहुत ज़्यादा उसमें डुबा के नहीं रखना, चूना हो रखा है और सारा कुछ सब कुछ है ना हमारे। दिखाओ एक बारी, मैं दिखाऊँ कितना सारा कर दिया आपने। ये लो अपने ऐसे मारना, ऐसे टेढ़ा रखोगे निकलने लगेगा, यहाँ रखोगे चुचुएगा ऐसे। काफ़ी टाइम से सोचे थे हमने पेंट लेके रखा हुआ था, तो बस सोच रहे थे कर ले तो काफ़ी मन नहीं बन रहा था, आज हमारा डिसाइड हो गया। और ये हमारे किराए का घर है, वैसे तो मैंने इस दरवाजे के लिए भी पेंट लिया था पर वो मैंने किसी को दे दिया, मुझे ध्यान में ही नहीं रहा कि इसके ऊपर भी पेंट हो सकता है, तो मैंने ये वाला बचा लिया था। और हमारे पास भी इतना ही पेंट है, इतने पेंट में ना हमने सारा घर करना है, ये सारा घर मुझे लग नहीं रहा है हो पाएगा, पर देखते हैं। वीडियो बने रहो, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। और दिवाली आ रही है, काफ़ी सारे पर्व भी आने वाले हैं, तो इसके बाद पर्व स्टार्ट होंगे, तो हम अपने घर को थोड़ा सा चमका रहे हैं कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत सुंदर बना लेते हैं, ठीक है। और आप भी वीडियो बताना, लाइक शेयर कमेंट करके कैसे है, बाहर का देख लो, बाहर का कितना गंदा लग रहा, देख लो, पूछ लूँगा। तो अभी पेंट करने में हमको एक दिक्कत आ रही है, जो कोना है इस कोने में ये रोलर चल नहीं रहा, जैसे वो कोना छूटा हुआ है, तो उसके लिए हमें चाहिए ब्रूस, तो ब्रूस हमारे पास है नहीं, तो हमसे मेरे से जितना होगा मैं उतना कर रहा हूँ, बाकी फिर मैं देखता हूँ उससे है ना जाके मैं सामने किसी से ब्रूस भी लेके आऊँगा, फिर करेंगे हम पेंट अच्छी तरीके से। तो वीडियो में लाइक शेयर कमेंट जरूर बताना, ठीक है। थोड़ी देर बाद मिलते हैं, दिखाता हूँ कितनी देर बाद कितना टाइम लग गया। अभी तो स्टार्ट मैंने करा है, 11 बज गए, 5 मिनट ओके करते हुए 11 बजे हमने स्टार्ट किया, देखते हैं फिनिश कितने देर तक होता है हमारा घर ये, ठीक है। ये देखो मेरा घर, ये देखो ऐसा लग रहा है, फिर कैसे पता है कितना अच्छा से कर लग रहा है। एक ऊपर का अगर मैं और वाइट कर देता हूँ फिर तो आपको पूरा एकदम फ्लैट की तरह लगता है, फ्लैट की तरह कलर आया है। तो गाइस हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर बताना। और ये हमारा आज पेंट का ब्लॉग था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा पेंट करने में। और गाइस दिवाली आने वाली है, काफ़ी सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने घर को भी थोड़ा सजाएं। तो बस आप देखो कितना अच्छा बना लिया मैंने घर, अब मुझे ना इसके अंदर थोड़ा सा सर्टिफाइड सा महसूस हो रहा है, एकदम रिलैक्स सा फील हो रहा है। पहले जो इसके अंदर कलर था ना वो कलर बहुत ज़्यादा मतलब वाइट सा था और चूना था, चूना तो आपको पता है कैसा है, थोड़ा सा सटो कपड़े में लग जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था उससे। तो मैं सोच रखा था कि अगर कभी मौका मिला तो मैं कर दूंगा पेंट, तो
तो हमने अपने पैसे से इस कमरे में पेंट कर दिया। अब ये कलर ऐसे हैं कि आप ये देखो, इसको मैं जितनी मर्जी हाथ लगा लूँ ये मेरे हाथ में नहीं लगेगा। तो ये एकदम ऐसा है, ये पेंट कलर है। और दिवाली का टाइम आने वाला है, बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं गाइस। अगर आप भी अपने घर में पेंट कर रहे हो तो कौन सा कलर कर रहे हो वो जरूर बताना। मुझे ये कलर इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इन फ्यूचर अगर मैं अपना घर लूँगा या फ्लैट तो मैंने हमारी उतार लिया है, अगर हमने अपना घर लिया तो हम उस घर में मैं ऐसे ही पेंट करवाऊँगा, इतना ही डार्क करवाऊँगा, ऐसे करवाऊँगा बिल्कुल, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये कलर। तो अब मैं यही कराऊंगा। और हमारी वीडियो देख के लाइक शेयर करने के लिए जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।